खबर रीवा जिले से है, जहां जनसुनवाई में सुप्रिया चौधरी नाम की छात्रा पहुंची और कलेक्टर से अपने पढ़ाई के खर्च की फरियाद की थी। प्रतिभावान छात्रा के पहुंचते ही कलेक्टर ने प्रयास शुरू किया तो रीवा जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता छात्रा की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए और अब छात्रा को 20,000 नकद देकर आगे के खर्च के मदद की बात कही है। वहीं समाज सेवी की मदद के बाद प्रशासन ने भी 5,000 की मदद कर छात्रा को काशी हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। दरअसल सुप्रिया चौधरी के पिता का निधन हो गया है, लेकिन प्रतिभावान छात्रा पढ़ने में अव्वल रही है, जिसका चयन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गया है। लेकिन छात्रा को रहने खाने के खर्च उठाने में दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते वह अपनी मां के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई थी। अपर कलेक्टर सलीन सिंह ने बताया कि छात्रा की मदद के लिए समाज सेवी सामने आए हैं, जिनमें 25,000 नकद देकर मदद की गई है। आने वाले समय में छात्रा को स्कॉलरशिप मिलने लगेगी, जिससे उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी। आइए सुनाते हैं छात्रा की माँ और अपर कलेक्टर सैलेन सिंह ने क्या जानकारी दी है। रंजना चौधरी, मेरे बेटी का चयन काशी विश्वविद्यालय में हुआ और उसकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही, क्योंकि बच्ची के पिता नहीं हैं और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। हमारे पास जगह ज़मीन भी नहीं है। तो हम कलेक्टर साहब के जन सुनवाई में आए, उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और मुझे मदद करने के लिए बहुत प्रयास किए और उनकी मदद से ओम प्रकाश भैया जी आगे बढ़ कर के मुझे ये 20,000 का कैश प्रदान किए और कलेक्टर साहब के दर से भी 5,000 का अनुदान राशि दी गई जी। तो हम सभी कलेक्टर सभी लोगों का धन्यवाद तहे दिल से करते हैं। आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब द्वारा हमारे डीएम नान उनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि ऐसी कोई महिला है जिनकी बेटी में पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए हमने 20,000 रुपये अपनी तरफ से दिया है और लोगों से निवेदन भी है कि ऐसे ज़रूरतमंदों की आगे बढ़ के मदद करें, जिससे जो अच्छी पढ़ाई में लड़कियां हैं, बच्चे जो भी हैं, उनको आगे बढ़ने में सहायता मिले। क्या नाम है ओम प्रकाश गुप्ता। आज जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर साहब रीवा की जो जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होती है, उसके दौरान हमारे समक्ष में श्रीमती रंजना चौधरी जी उपस्थित हुई थी। रंजना चौधरी जी जो कि रीवा की निवासी हैं और इनकी बिटिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग पढ़ने में अच्छी हैं, जिसका नाम सुप्रिया चौधरी है। ये अपनी नवोदय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और आगे की हायर स्टडीज़ के लिए ये काशी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस निकाल चुकी है और वहाँ से इंग्लिश लिटरेचर से अपनी आगे की पढ़ाई कर रही है। इन्होंने कलेक्टर साहब महोदय के समक्ष बात रखी कि हमारी बेटी के वहाँ रहने खाने और अन्य व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन उसके जो मेस, क्योंकि मेस प्राइवेट होती है, तो उसमें उसको जो खान पान है उसके लिए कुछ सहायता की प्रशासनिक और ऐसी आवश्यकता है। तो इसके लिए जब हम लोगों ने बात की तो डीएम नान साहब ने बताया कि श्री गुप्ता जी जो यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी बहुत ही प्रतिष्ठित रीवा के व्यवसायी हैं, इन्होंने आगे बढ़कर इस बच्ची की मदद करने की और इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने के लिए आश्वासन दिया है। फिलहाल ये इन्हें 20,000 रुपये और प्रशासन इनको 5,000 रुपये ऐसे 25,000 रुपये की टोकन अमाउंट दे रहे हैं, जो 6 महीने का महज के खर्चे का व्यवस्था होगी। इसके बाद फिर हम इनको इतनी ही राशि दोबारा देंगे और अगले साल से जब उसकी स्कॉलर आने लगेगी तो बच्ची आत्मनिर्भर होकर अपनी पूरी पढ़ाई कर सकेगी। सुप्रिया ने जो किया, मुझे लगता है बहुत अच्छा उसने मेहनत करके अपनी जगह बनाई है, उनसे बधाई देता हूँ। और रंजना चौधरी जी जिन्होंने कि यहाँ उपस्थित होकर अपनी बात रखी, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके रोज़गार आदि का भी कोई प्रबंध कर सकें।